स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैलेंट अवेकर पे, और मैं हूँ आपका दोस्त वरुण सिंह। और मैं डॉक्टर सुशील। आज का वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले स्वागत करना चाहूंगा अपने दोस्त का। सर स्वागत है आपका। थैंक यू वरुण चैनल पे। और सर आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो आज हमारे व्यूअर्स को पता चलेगा बेसिकली कि सिरेमिक और ग्लास डिज़ाइन क्या है। तो सर आपसे जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स भी और मैं भी कि सिरेमिक और ग्लास डिज़ाइन को हम बेसिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सर वरुण जी, सिरेमिक जो सब्सटेंस है बेसिकली वो कई प्रकार की मिट्टियों का एक कंपोजिशन होता है। जैसे आप सपोज कीजिए आपने चीनी मिट्टी, बालू लिया, थोड़ा सा नॉर्मल मिट्टी ली, इन सभी चीज़ों को मिला के एक जो नया कंपोजिशन आप तैयार करते हैं वो सिरेमिक होता है। उसके बाद उसका एक अपना सेपरेट प्रोसेस है जिस प्रोसेस से होके वो सिरेमिक में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लास, आप सभी परिचित हैं ग्लास से, हमारे और आपके सभी के घरों में ग्लास होता है। उसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेज हैं, चाहे आप उसे बर्तन के फॉर्म में देखिए, चाहे मिरर के फॉर्म में देखिए। तो ग्लास जो है आपको पता होगा उसका केमिकल नेम लेड होता है, और वो जो है सिलिका से प्राप्त होता है। तो बेसिकली इन दोनों चीज़ों की स्टडी डिज़ाइनर फॉर्म में जब हम करते हैं तब जो है सिरेमिक एंड ग्लास डिज़ाइन जो है स्टडी, मतलब एक ब्रांच बनती है स्टडी की। जी वरुण जी। ओके, तो सर अभी हमने परिभाषा जानी कि सिरेमिक और ग्लास डिज़ाइन क्या है। सर हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई उस जर्नी पे आगे बढ़ना चाहता है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके लिए। जी वरुण जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा, देखिए नाम में ही सिरेमिक एंड ग्लास डिज़ाइन है, और ये जो ब्रांच है वो NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन में जो है इसका अध्ययन कराया जाता है। और NID हम अपने पहले के वीडियो में ही बता चुके हैं कि NID जो है इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट में जो डिजाइनिंग पॉसिबल है उसके साथ डील करता है। तो इसलिए NID में जो है सिरेमिक एंड ग्लास डिज़ाइन की स्टडी होती है। एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा वरुण जी कि सिरेमिक एंड ग्लास डिज़ाइन, ग्लास में इंजीनियरिंग भी होती है, वो टेक्नोलॉजिकल पार्ट है, बट हमें उस पार्ट में ज़्यादा नहीं जाना है। अभी फ़िलहाल हम जो है केवल डिज़ाइन की बात करेंगे कि ग्लास हुआ या सिरेमिक हुआ उसको कैसे हम लुक्रेटिव फॉर्म में डिज़ाइन कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। और जहाँ तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात है तो NID एक एंट्रेंस टेस्ट लेता है जिसको डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, और इस एंट्रेंस टेस्ट में 12th पास या 12th में अपीयर होने वाले बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम के, वेदर इट इज़ आर्ट, कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज, किसी भी स्ट्रीम के हों वो जो है इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बट जो डिग्री होगी वो 12th के इक्विवेलेंट होनी चाहिए और किसी न किसी रिकग्नाइज बोर्ड से होनी चाहिए। और डेट एग्ज़ाम जो है वो दो पार्ट में होते हैं, एक प्रिलिमिनरी है और एक मेन्स है। दोनों ही एग्ज़ाम में जनरल इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, एनवायरमेंटल इशूज से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सारे पार्ट वन के हिस्से हैं। और पार्ट बी में जो है हम स्केचिंग, ड्राइंग को फोकस करते हैं। तो ये जो है वरुण जी ये पूरा उसका प्रोसेस रहा। और कोर्स ड्यूरेशन जो है वो 4 साल का होता है। जब कोई स्टूडेंट NID से सिरेमिक एंड ग्लास डिज़ाइन की स्टडी करता है तो टोटल पीरियड जो है वो 4 ईयर्स होता है। जी वरुण। ओके सर, एक तो आपको मैं एक बात के लिए अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलती है जब आप उन सब बातों को एक्सप्लेन करते हैं, तो उसके लिए आपको ढेर सारा अप्रिशिएशन। सर सर अभी व्यूअर्स ने जैसे कोर्स ड्यूरेशन के बारे में भी जाना, एलिजिबिलिटी के बारे में जाना, बेसिकली ये भी जान लिया कि सिरेमिक और ग्लास डिज़ाइन क्या होता है, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। सर एक व्यूअर्स के मन में एक सवाल ये भी होगा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है बेसिकली, तो सर उस पर भी आप रोशनी अगर डालें तो कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न वरुण जी, मैंने जैसा बताया कि डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट जो एग्ज़ाम NID द्वारा कंडक्ट किया जाता है उसको डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। उसके दो पार्ट होते हैं, एक प्रिलिमिनरी स्टेज पे, दूसरा जो है मेंस के स्टेज पे। जो बच्चे प्रिलिमिनरी एग्जाम को क्रैक करते हैं वो मेंस एग्जाम में अपीयर होते हैं। जहां तक बात रही उसके क्वेश्चन सिलेबस की, तो उसमें मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, रीजनिंग में आप लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और इन्वायरमेंटल इशूज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उस पे हम
जो है क्वेश्चन आते हैं, और जो सेकंड पार्ट है वो ड्राइंग पे फोकस होता है। ड्राइंग इसलिए, अगेन मैं बताना चाहूँगा, ड्राइंग केवल इसलिए, सपोज कीजिए अगर किसी ग्लास को आपको एक डिज़ाइन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए पहले आपको उसका सॉफ्ट कॉपी जो आपके माइंड में बनेगी उसको तैयार करना पड़ेगा। जितनी बेहतरीन आपकी ड्राइंग स्किल होगी, उतने अच्छे से आप पहले एक रॉ में वो मटेरियल या वो स्केच तैयार करेंगे, तब उसके अकॉर्डिंग उसको फाइनल रूप देंगे। जैसा कि वरुण जी हमने प्रोडक्ट डिज़ाइन वाले चैप्टर में बताया था हमने कि जब कोई प्रोडक्ट बनता है, पहले उस पर हम ये देखते हैं कि वो पहले रॉ बने, फिर उसका एक मॉडल बनाया जाता है, मॉडल बनने के बाद फिर उसको जो है फाइनल टच दिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए ड्राइंग या स्केचिंग जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए आपने, जैसे मान लीजिए साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, वहाँ पे ड्राइंग थोड़ी बहुत यूज होती है, जैसे फिजिक्स में स्केचिंग करनी है। बायोलॉजी के जो बच्चे हैं उनको बॉटनी जूलॉजी दोनों जगह अच्छे अच्छे मतलब फिगर बनानी पड़ती है, लेकिन कुछ एक ऐसी जगह है जहाँ फिगर नहीं बनाई जाती, जैसे कॉमर्स में, कॉमर्स में उतना ड्राइंग का यूज़ नहीं होता है, बट क्योंकि एग्ज़ाम में ड्राइंग आनी है, स्केचिंग आनी है, इसलिए उस पर भी फोकस रखें। और बहुत बढ़िया होगा अगर आप प्रीवियस ईयर के वीडियोस को देखें, वीडियोज इन द सेंस मतलब क्वेश्चन पेपर को देखें, आप पहले के क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आया, किस सेक्शंस को कितनी मार्किंग मिली, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप उनको गो थ्रू करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होता है इस एग्ज़ाम का। जी वरुण जी, सर अभी आपने जैसे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया तो व्यूअर्स को और अवेयरनेस आ गई होगी, एक क्लैरिटी मिल गई होगी। सर इसमें अब थोड़ा और बारीकी के साथ इस टॉपिक पे आगे बढ़ पाएँ, और जैसे मैं बोर्ड पे देख भी पा रहा हूँ तो आप थोड़ा सा इसमें सिरेमिक ग्लास और यूजेस जो लिखा हुआ है इसके बारे में भी अगर थोड़ा व्यूअर्स को आइडिया एक बार आप दें तो प्लीज़। जी वरुण जी, सिरेमिक, हम सभी लोग सिरेमिक से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। वरुण जी आज से अगर आप 20 साल पहले जाएं, तब जो घर बनते थे शायद ही किसी घर में टाइल्स लगती हों, पहले जो है सीमेंटेड फर्श होते थे। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वैसे वैसे हम घरों को और लुक्रेटिव और लग्जरियस बना रहे हैं। तो सिरामिक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल टाइल्स होती हैं। अब टाइल्स को अगर आप ध्यान से समझे वरुण जी, तो टाइल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे उस पर आप कोई भी केमिकल गिराइए वो जस की तस बनी रहती है, कोई डैमेज नहीं होता है। आप कितना भी उस पर गर्म चीज़ रखिए फिर भी टाइल्स ठीक रहती है। मतलब सिरामिक का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब मजबूत होती है, उसमें आप इजीली जो है स्क्रैचेस नहीं डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों के कारण ही सिरामिक से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा वरुण जी कि आजकल ज़्यादातर ये कहते हैं कि प्लास्टिक जो है वो हेल्थ के लिए इंजीरियस है। अब हम और आप सभी के घर में अचार बनता है, बिल्कुल बहुत शौक से खाते भी हैं, बट उसको किस कंटेनर में रखा जाए, और बेस्ट यही होगा कि या तो आप उसको ग्लास के कंटेनर में रखें या पोर्सलिन। पोर्सलिन जो है एक टाइप का सिरामिक ही है। तो इस वजह से हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं वहाँ पर भी सिरामिक काफ़ी यूजफुल है। सेम ऐसा जैसे आप देखिए जो फर्नेंस होती है, फर्नेंस में क्योंकि मैंने बताया सिरामिक का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए फर्नेंस में भी सिरामिक का यूज होता है। सिरामिक बहुत अच्छा इंसुलेटर भी होता है, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में भी सिरामिक का यूज होता है। तो सिरामिक जो है मल्टीपर्पज यूजेस को कंटेन करता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आने वाला जो एरा है वो सिरामिक की फील्ड में और रिसर्च करने की जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। और जो भी स्टूडेंट्स इस फील्ड को एज ए करियर ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि NID जो एंट्रेंस टेस्ट लेता है वो केवल दो ही अटेम्प्ट देता है जी, एक अपियरिंग में, एक जब नेक्स्ट टू अपियरिंग ईयर, मतलब अगर इस साल आप 12th में हैं तो एक अपियरिंग देंगे, एक अगले साल देंगे सब। और मिनिमम जो एज है वो लगभग 18-19 साल की होती है। अगर कोई स्टूडेंट आज सिरामिक एंड ग्लास डिजाइन में बैचलर की डिग्री लेता है, सपोज कीजिए वो आने वाले 30 साल बाद का इंडिया वो कैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग उसे डिजाइन करना पड़ेगा। जैसे 20 साल पहले जो घर बनते थे और जो आज घर बन रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। बिल्कुल जी वरुण जी, और इसी की तरह ग्लास भी है। आज से 10 साल पहले हमने टेम्पर्ड ग्लास नहीं सुना था, बिल्कुल मोबाइल ना स्मार्टफोन थे ना टेम्पर्ड ग्लास था। अब जब स्मार्टफोन आया उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम टेम्पर्ड ग्लास लेके आए,
बुलेट प्रूफ ग्लास, इवन बुलेट प्रूफ ग्लास तो गाड़ियों में भी लगता है। बिल्कुल सर, तो ऐसे सिरामिक और ग्लास के बहुत सारे यूजेज हैं। और एक चीज और है कि जैसा मैंने प्लास्टिक को लेकर जो बात कही, अगर उस पर अगर आप गौर करेंगे तो सिरामिक जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, क्योंकि बार बार आप उसे यूज कर सकते हैं। एनर्जी सेविंग पे भी बात हो गई है ना, और लग्जरियस गुड्स भी सिरामिक से बनते हैं। आपने देखा होगा पोर्सलिन के या सिरामिक के बहुत ही लग्जरियस गुड्स होते हैं, पॉट्स होते हैं, पॉटरी के फील्ड में भी ये यूज होता है। तो जो आने वाला फ्यूचर है वो इस ब्रांच का बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है वरुण जी। तो इसीलिए जो स्टूडेंट्स इसमें अपना करियर परसू करना चाहते हैं वो बहुत ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखें और अपने आप को इस बात के लिए राजी करें कि वो इसी फील्ड में अपना करियर बनाएंगे अगर उनका इसमें इंटरेस्ट है तो। तो वरुण जी, जी सर, अब आप ये बताइए कि जो जॉब प्रोफाइल या टॉप रिक्रूटर्स के बारे में कुछ गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल सर, सबसे पहले सर थैंक यू वेरी मच, आपने अपॉर्चुनिटी मेरे को दी। तो अभी व्यूअर्स ने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी ले ली है, जॉब प्रोफाइल के बारे में और टॉप रिक्रूटर्स के बारे में मैं आइडिया दे देता हूँ। तो अगर आप जॉब प्रोफाइल के बारे में देखें, आप जैसे बोर्ड पर भी देख पा रहे हैं, आप एक सिरेमिक और ग्लास डिज़ाइनर के रूप में आगे बढ़ सकते हैं, आप एक लेबोरेटरी असिस्टेंट के रूप में आगे बढ़ सकते हैं, आप ग्लास एंड सिरेमिक कैलिब्रेटर के रूप में आगे बढ़ सकते हैं, आप ब्रिक एंड टाइल मोल्डर के रूप में आगे बढ़ सकते हैं, आप फर्नेस हेल्पर के रूप में आगे बढ़ सकते हैं, पॉटरी एंड पोर्टलेन के रूप में भी आगे बढ़ सकते हैं, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड मेडिकल फील्ड में भी आप जा सकते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट वही है जैसे अभी सर ने भी एक बात कही थी कि आप रिलेट कौन सी चीज़ के साथ करते हैं, आप उसमें जाएंगे तो आपका स्मूथ जर्नी रहेगा और आप काफ़ी लर्निंग ले पाएंगे। तो अभी जॉब प्रोफाइल के बारे में जाना हमने। जब टॉप रिक्रूटर्स की बात भी आती है तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं जब सिरेमिक और ग्लास डिज़ाइन के बारे में बात आता है। तो ये एक बहुत बड़ा फील्ड आपके लिए है अवेलेबल और जिसमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप बहुत सारा एक्सप्लोर कर सकते हैं सिरेमिक और ग्लास डिज़ाइन के अंदर। तो सर एक तो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना कुछ व्यूअर्स को बता दिया है, क्लैरिटी दी है, आपने जो इनपुट्स ऐड किए हर चीज़ को बड़ी बारीकी से समझाया कि सिरेमिक ग्लास यूजेस एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। तो व्यूअर्स को बहुत अच्छा भी लगा होगा, उनकी नॉलेज अपडेट हुई और नया उन्होंने सीखा। सो आज का वीडियो हम एंड करें जैसे हम हमेशा सर की एक स्टोरी के साथ करते हैं। तो आज जो हमने टॉपिक के बारे में बात करी वो बड़ी बारीकी के ऊपर है, बड़ा वो कहते हैं ना डेलिकेट होता है जो ग्लास होता है, वो बहुत डेलिकेट होता है। तो हम उसका बहुत ध्यान रखते हैं कि उसका जब यूज़ करें तो वो क्रैक ना हो जाए, तो इसका बहुत ध्यान रखते हैं। तो इसको मैं रिलेट करूँगा एक चीज़ के साथ, और जैसे मैंने रिलेट वर्ड यूज़ किया है तो रिलेशनशिप से मैं रिलेट करूँगा इसको। लाइफ के अंदर आज के सिनेरियो की अगर बात करें तो जैसे एक ग्लास को बड़ा ख्याल रखना पड़ता है उसका, वैसे रिलेशनशिप्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हम आज इस दुनिया में रह रहे हैं तो एक दूसरे के साथ जब हम कनेक्टेड होते हैं ना, तो हमें देखना चाहिए कि हम सामने वाले के साथ रिलेट कर पाएँ। अगर विचारधारा अलग अलग है तब भी हम कैसे सामंजस्य बिठाएँ जिससे कि वो रिश्ता बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़े। हो सकता है कि जो आपके विचार हैं वो दूसरे इंसान के विचार बिल्कुल अलग हों, तब भी ज़रूरी ये है कि हो सकता है आपका विचार उस वक्त पढ़ रहा दूसरे आदमी के विचार का ज़्यादा हो, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम रिश्ते की मजबूती पे ज़्यादा ध्यान दें। तो जब हम ऐसा करते हैं तो ना सिर्फ हमारा रिश्ता मजबूत बनता है, हम एक बेहतर व्यक्तित्व के रूप में आगे बढ़ते हैं। और कहीं ना कहीं मैं दोबारा एक चीज़ बोलूँगा कि जैसे हम ग्लास का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, वैसे रिश्तों का और भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। और याद रखिए, अगर आपके आसपास ऐसे रिश्ते हैं तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हमें सब कुछ मिल रहा है बट रिश्ते नहीं मिलते, तो उसका ध्यान रखिए। और सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, और व्यूअर्स आप ऐसे ही अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।